उसे तो जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम एक बात जरूर कहेंगे, हम लोग यहाँ आने के बाद में सांसारिक मोह माया में इतने बंध गए कि हम ये भूल गए कि हम यहाँ आए तो किस लिए आए। तीन बातें कभी एकांत में बैठ के सोचना है, खुद अपने आप से प्रश्न करना। क्या? पहला ये कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? आंखें हैं तो आंखें तो अंधी हो जाती है, नहीं रोक पाते। कान हैं तो कान भी कभी कभी अपना काम करना बंद कर देते हैं, बहुत से लोग मशीन लगाए घूमते हैं, हम नहीं रोक पाते। शरीर है तो शरीर भी मर जाता है, नहीं रोक पाते। तो ये तो निश्चित हो गया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरी बात, मैं यहां आया हूं तो किस लिए आया हूं? और तीसरी बात, मैं जिस काम को कर रहा हूं ये काम करने लायक है या नहीं है? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। इससे पहले पता नहीं हम क्या क्या करते रहे, क्या बनते रहे, कितने कष्ट उठाए, तब तो जाके हमें ये मानुष तन मिला। एक कभी कहते हैं क्या कि काया कुट्टी डाली राली और जमाने भर से अद्भुत रचना की ब्रह्मा जी ने। देखा होगा मार्केट में हर वर्ष गाड़ियों के या किसी अन्य वस्तुओं के लेटेस्ट मॉडल आ जाते निकल कर, लेटेस्ट मॉडल। लेकिन बारे ब्रह्मा जी, जब से ये मॉडल बना है ना, लाखों वर्षों से वही मॉडल चला आ रहा है, इसका अभी तक कोई लेटेस्ट मॉडल ही नहीं आया है। क्या अद्भुत रचना है। सुनते इस कुटिया का किराया भी लगता है। कभी कहते हैं किराया कौन चुकाता है, बोले श्वास चुकाता है।